So what's up guys, welcome back to another vlog. So today is the 21st of August और just अभी नींद से उठे हैं. Right now it's around 8 o'clock in the morning. तो अभी हम वर्धमान में हैं. कैसे आए वो vlog नहीं बनाए क्योंकि रोज़ उतना मतलब edit करना पड़ता है, बहुत time waste होता है मेरा. तो anyways अभी हम वर्धमान में हैं तो फिलहाल जाएंगे चाय पीने, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे तो चाय बनाने के लिए मतलब है इंतज़ाम, बट ऑन उतना कौन मेहनत करेगा ना. सीधा जाएंगे चाय पियेंगे, आके पढ़ने बैठ जाएंगे. तो यही प्लान है, आज सारा दिन पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे आज. तो मिलते हैं. इस बाहर वेदर भी आज बहुत सही है, ना धूप है ना बारिश, यही बेस्ट होता है वेदर. पूरा नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि ज़्यादा मेमोरी खाता है. तो अभी पढ़ लिए हैं थोड़ा सा, अभी खाना ऑर्डर किए हैं, खाना आएगा तो खाएंगे, उसके पहले नहा लेंगे. और बाहर मस्त धूप निकला है, यहाँ से देखने में अच्छा लग रहा है, बट बाहर अगर जाते तो हालत ख़राब हो जाता. फिर नहाएंगे, उसके बाद खाना आ जाएगा तब तक. तो खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, उसके बाद उठ के माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल लिखेंगे, और देन शाम को थोड़ा निकलेंगे क्योंकि कुछ काम है, कुछ बुक्स लेने आना है एक दुकान पे, ज़ेरॉक्स करने दिए थे, मतलब ज़ेरॉक्स नहीं बुक्स बनाने दिए थे, तो वो लेना है. उसके बाद आके फिर इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे. तो फुल प्लान्ड है, अभी प्लान वाइज अभी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सिर्फ. तो चलते हैं, फ़िलहाल नहाते हैं और फिर खाना आने का वेट करते हैं. सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:10 और हम जस्ट नींद से उठे हैं, और नींद से उठ के मेरे को एक शॉक मिला है. शॉक कैसा कि वो जो मेरा यूनिवर्सिटी है ना, उस वहाँ पे मेरा जो अटेंडेंस है वो बहुत कम है, और बोला गया है कि कल के अंदर एक मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा. तो अभी हम 2-3 दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, मतलब वुड बी डॉक्टर्स हैं, वो लोग को बोल के रखे हैं कि भाई एक कुछ जुगाड़ कर दे, एक मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दे कहीं से. तो देखते हैं, अगर हो सकता है तो सही है, नहीं तो और कुछ उपाय मतलब काम में लाना पड़ेगा. तो यही बात है. तो फिलहाल अभी निकलते हैं, जाएंगे थोड़ा बाहर साइकिल लेके, कुछ बुक्स लेने आना है, तो निकलते हैं. और गाइस निकल चुके हैं और अंधेरा हो गया है फुल, तो बाहर कुछ दिखेगा नहीं प्रोबेबली. तो चलते हैं बुक्स लेने, फिर वहाँ पे जाके मिलते हैं. 0.5 का व्यू, 0.5 में थोड़ा ज़्यादा नॉइजी आएगा बिकॉज क्वालिटी कम हो जाता है थोड़ा सा, बट एनीवेज चलते हैं, बहुत दूर जाना है. और साइकिल में हवा भी कम था, हवा भी भरवा ली है, यहाँ पे कहीं पे पूजा हो रहा है, शाम है ना इसलिए. नेवर माइंड, चलते हैं. रास्ता अभी के लिए तो खाली है, बट वहाँ पे अभी जो रश होगा ना, बहुत रश होगा. खैर आज बारिश नहीं हुआ है तो पानी कहीं भी वैसे जमा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा तो नहीं है ना वो मडगार्ड नहीं है, तो प्रॉब्लम होता है. एनीवेज चलते हैं. तो गाइस यहाँ का रास्ता का हाल देखो, हाल नहीं बेहाल है, फ्लैश चला के चला रहे हैं. लोग भाई कल्याणी वाले ये सब रास्ता एकदम सह नहीं पाते.
अभी आ चुके हैं, बुक्स ले लिए और चाय भी पी के आ चुके हैं। बट अभी बैठ के यार पढ़ नहीं पाएंगे, अभी बैठ के पूरा प्लान बनाना होगा कि कल परसों क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और यहाँ पे मेरा कोई ऐसा क्या बोलते हैं कनेक्शन नहीं है कि मेडिकल सर्टिफिकेट ला पाए। घर पे हैं बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ से मिल जाएगा, तो मेरे घर जाना पड़ेगा। बट ये लोग बोल रहे हैं कि कल ही देना है, तो अगर कल मतलब मे बी कल मेरे को कल्याणी जाना पड़ेगा, फिर शाम के अंदर एक मेडिकल सर्टिफिकेट जुगाड़ करना पड़ेगा, फिर सुबह फ्राइडे को, टुडे इज़ वेडनेसडे टुमारो इज़ थर्सडे, फ्राइडे को फिर सुबह फिर आना पड़ेगा वर्धमान। प्रोबेबली स्कूटी लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग का जो क्या बोलते हैं मतलब जो कैंपस है ना वो बहुत फैला हुआ है, एक जगह पे क्लास होता है, एक जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन है, तो बहुत घूम घूम के फॉर्म उठा के इधर उधर देना पड़ेगा, तो स्कूटी रहेगा तो मतलब थोड़ा ईजी होगा। तो यही सब कुछ है, अभी बैठ के पूरा माथा सही करके दिमाग सही करके पहले हम सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो अभी तो शायद नहीं पढ़ेंगे, शायद जल्दी सो जाएंगे, सुबह उठ के मतलब रात को उठ के पढ़ेंगे 3:30 बजे, लाइक होपिंग सो। तो अभी पूरा ऐसे पूरा मतलब इतना स्वेटिंग हो रहा है ना कि साइकिल चला के आए, इतना गर्मी है बाहर, बारिश होगा प्रोबेबली रात को। एनीवेज देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं। सो सब गाइस, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और अभी जस्ट नींद से उठे हैं, बाहर वेदर भी एकदम बहुत सही है, तो अभी फिलहाल जाएंगे चाय पीने और फिर आके थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत काम है। काम इन द सेंस क्या कि वो जो कल बोल रहे थे ना, वो मेडिकल का चीज़ देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, तो वो कैसे भी करके जुगाड़ कर लिए, तो वो आ जाएगा, भेज देंगे, मतलब कोई भेजेगा, मतलब मम्मी भेजेगी मेरे को, वो हम यहाँ से प्रिंट करवा लेंगे, फिर जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट, हम लोग का जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ जाएंगे, फिर वो लोग जो हम लोग का HOD है वो सर उस पर सिग्नेचर करेंगे, फिर उसको लेके फैकल्टी ऑफ साइंस जाना है, वहाँ पे एक और सिग्नेचर लगेगा, फिर दोनों सिग्नेचर मिलने के बाद मेरे को जाना है जो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है राजबाड़ी में, उधर जाना पड़ेगा, उधर जाके पैसा जमा करना पड़ेगा, कितना होगा आई डोंट नो, 200 ऐसा कुछ होगा शायद, वो पैसा जमा करके फिर मतलब सही होगा। तो बहुत काम है अभी फ़िलहाल, 10 बजे तक तो थोड़ा पढ़ेंगे, अभी बज रहे हैं 7, तो 7:30-8 बजे तक बैठेंगे पढ़ने, फिर 10 बजे तक पढ़ेंगे थोड़ा इम्यूनोलॉजी, उसके बाद वो प्रिंट विंट करके जितना नौटंकी है सब करेंगे। भाई मास्टर्स में इतना स्ट्रिक्ट होता है हम कहीं नहीं देखे हैं, इधर ही देखते हैं सिर्फ, और ये स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ये मतलब। तो गाइस ये है कुछ बाहर का वेदर, ओवरकास्ट ही है ऑलमोस्ट, बट एज यू कैन सी थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है, मेरा हिंदी इज वेरी बैड, धूप ना निकले यही सही है भाई। अभी हो रहा है टाइम दोपहर के 11 और अभी निकल रहे हैं बाहर, मतलब वो जो सब कुछ करना है प्रोसेस वो सब करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी आएंगे पहले, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जाना है, बीच में एक और जगह भी जाना है फैकल्टी ऑफ काउंसिल साइंस का, जो फैकल्टी ऑफ काउंसिल है वहाँ पर भी जाना है, एक साइन करवाना है वहाँ से। तो अभी निकलते हैं, पहले तो वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ से, तो बहुत काम है, अभी निकलते हैं वहाँ पे जाके ब्लॉग बनाते हैं। गाइस प्रिंट करवा लिए हैं और इतना बेकार लग रहा है कि मतलब क्लास करते हैं तो पैसा दे रहे हैं ठीक है, जो मतलब ट्यूशन फी है वो सही है, अब क्लास नहीं भी कर रहे हैं तब भी मेरे को मतलब फाइन देना पड़ रहा है, मतलब अलग ही चीज़ है भाई, सिर्फ पैसा खाना है इन लोग को और कुछ नहीं। इतना नौटंकी है, अगर तो पहले बोलो, पहले इंतज़ाम कर लेते, एक दिन पहले बोल रहा है कि कल देना है, अब बंदा पढ़ेगा एग्ज़ाम उसके पहले कि ये सब करेगा। अभी टाइम देखो
अभी निकले, कब लौटेंगे पता नहीं, अभी 11:10 बजा है, कब लौटेंगे पता नहीं। तो इतना टाइम तो हम घर पे पढ़ पाते ना, अभी प्रिंट आउट करो, वहाँ पे जाके पैसा दो, क्या मतलब हर जगह इतना क्या बोलते हैं इसको, करप्शन है ना, सब कोई पैसा खाना चाहता है, हर चीज़ बेकार चीज़ है पूरा। सो भाई अभी लौट रहे हैं और काम नहीं हुआ एज यूजल, हमको लगा ही था, जो HOT है वो खुद आया ही नहीं, तो उनके साइन के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो बस हो गया काम आज का। अभी सोचे थे आज कल्याणी चले जाएंगे, बट वो नहीं हो पाएगा, फिर से आज इधर ही रुकना पड़ेगा। और बहुत गर्मी है भाई, अभी जैसे बाहर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा क्लाउडी है, बट आई डोंट थिंक कि बारिश होगा। तो एनीवेज और क्या कर सकते हैं, अभी चलते हैं घर, नहाते हैं और थोड़ा सोते हैं, फिर उठ के फिर से पढ़ना चालू करेंगे भाई। सो गाइस जस्ट नींद से उठे हैं, राइट नाउ इट्स अराउंड 4:30 इन द इवनिंग, और अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग को कंटिन्यू कर देंगे, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खिंच गया है आई गेस, 2 दिन से चल रहा है, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सी यू।